बिजली बहरान संगीन, बदहाल आवाम सड़कों पर आ गए। लाहौर समेत कई शहरों में मुजाहिरे, मुल्तान में एहतजाज के दौरान बच्चा जां बहा। लोड शेडिंग के बाद गर्मी ने भी आवाम का भुरकस निकाल दिया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी, महकमा मौसमियात की कल भी सूरज सवा नेज़े पर रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी कहते हैं मालूम था फैसला गैर मौजूदगी में ही आएगा, अपील का हक हासिल है। 58 टूबी के अख्तियारात अदालत के पास नहीं जा सकते। नवाज और इमरान पहले रुकने असम्बली बने फिर बात करें। गिलानी सजा याफ्ता लेकिन ट्रस्ट से मस्त नहीं होते। अदालती हुक्मदूरी सदर सरदारी की ईमा पर हो रही है। हुक्मरानों ने मुल्क को बहरानों के सिवा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ का रतुरेरों में पंजाब असेंबली में जनूबी पंजाब को नया सूबा बनाने और बहावलपुर की सूबाई हैसियत की बहाली की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। राणा सनाउल्ला कहते हैं करारदादों की मंजूरी से पीपल्स पार्टी का ड्रामा लॉक। सेनेट में सदर के खिताब पर बहस, मुस्लिम लीग नून और एएनपी का वॉकआउट, रजा रब्बानी का भी बॉयकॉट। असगर खान पटिशन में जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सियासतदानों में रकम की तकसीम की जिम्मेदार फौज नहीं असदुर्रानी है, साबिक आर्मी चीफ। भारतीय वज़ीर दिफा पाक चीन दोस्ती से खायफ, कहते हैं दिफाई बजट में मजीद 39 अरब डॉलर का इजाफा करना होगा। कराची में तलबा तंजीमों का नकल से रोकने पर कॉलेज प्रिंसिपल पर तशद्दुद, सेप्ला ने कल से इंटरमीडिएट के इम्तहानात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। और दौरा श्रीलंका के लिए खिलाड़ियों के नाम फाइनल, ऐलान चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद कल होगा।